कपड़े पहना जाता है इनका भी दिखा आपको, तो कपड़े पहना जाता है करके, और दूसरे इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जरूर, काल भैरव जयंती माने त्रिपुरी पूर्णिमा के आठवें दिन यहाँ उत्सव मनाया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ उत्सव होता है और लांजे तालुका में ये सबसे बड़ा उत्सव होता है। हाँ, और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ एसटी की ये भी रहती है सुविधा रहती है, लोग आते हैं और बहुत लोगों को यहाँ पॉजिटिव ये मिला है, एनर्जी मिली है। बहुत साधु संत यहाँ आते हैं और वो भी यहाँ पूजा पाठ वगैरह करते हैं। ओके, और ये एक आप देखेंगे तो शिव और शक्ति का ये एक मिलाप यहाँ है। 100% अपने इधर आए और अपने आप में ये एक अलग देवस्थान है। काल भैरव का महत्व ये है कि जो भी पूजा हम करते हैं वो पूजा अच्छी तरह से होए, वहाँ कोई विघ्न न आए, इसलिए हम गणपति की प्रथम पूजा करते हैं। लेकिन जो पूजा हम करते हैं वो पूजा करने के लिए परमिशन काल भैरव देता है। ओ क्या बात है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों सुना आपने, जो गणपति की पूजा करते वो परमिशन काल भैरव देते हैं। हाँ, ये इनका मतलब मान्या मतलब मानते हैं लोग, और ये देते भी है काल भैरव जी देते हैं। वो अपने आप को मिल गई है ऐसा समझ के पूजा शुरू करने का और उस पूजा में विघ्न न आए इसलिए गणपति पूजन करने का। क्या बात, ये प्रावधान पहले से ही रखा है यहाँ। इसलिए काल भैरव का महत्व और भी है। काल भैरव ये आप देखेंगे एक बात तो सभी लोगों को सभी को अच्छा चाहिए, हम कुछ बुरी चीज चाहिए ऐसा हम नहीं कहते। बुरी चीज अपने आप रख के अपने पास रख के सभी लोगों को सभी भक्तों को अच्छी चीज देने वाला जो है वो काल भैरव है। सही बात है, मैंने सुना ये भी सुना कि बहुत लोगों का ये कुल देवत करके जी ये बार से लोग आते हैं यहाँ, और हरडीकर खेर दड़ी कुष्टे शेरे नाटेकर और बहुत लोग है। मैंने सुना राजस्थान जी भी लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया यहाँ लोग आते हैं। ओ बाप रे, आपने सुना दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे मतलब वहाँ पे मतलब करीबन की कितनी कुल देवता हो चुका, मतलब वही काल भैरव काल भैरव जी का, और एक है मेरे घर से मसवड़ में, वो भी उधर भी एक मेरे घर से मैंने गया था, मैं गया था लास्ट टाइम, उधर भी एक और इधर भी एक, वैसा ही स्थान इधर भी यहाँ पे भी दोस्तों। बात ऐसी है कि काल भैरव स्वतंत्र रूप में बहुत लोगों के कुल देवत हो सकते हैं, लेकिन काल भैरव योगेश्वरी जिन लोगों के है वो यहाँ आते हैं। अपने अपने घर के पास काल भैरव का मंदिर होने के बावजूद भी लोग यहाँ आके पूजा पाठ करते हैं। क्या बात है, मतलब ये इसका महत्व ये है कि वज्र समथिंग जोगी क्या वज्रेश्वरी ना नहीं योगेश्वरी योगेश्वरी और काल भैरव जी ये एक में मंदिर ये इधर है ये लांजा में, इसलिए लोग खास करके यहाँ पे आ जाते हैं। और दूसरी बात पूछना चाहिए, अपने नाग देवता का जो गणपति के सामने जो मूर्ति लगाई वो उसका महत्व क्या? उसका महत्व है जैसे विष्णु के बाजू में दो देवियाँ है, एक भूदेवी और दूसरी श्रीदेवी। बराबर, भूदेवी यानी ये जमीन हमारी धरती, इसलिए पूजा पाठ में जो ये कर देते हैं हम भू पूजा करते हैं उसमें विष्णु शक्ति समुत्पन्न कहते हैं, क्योंकि वो विष्णु पत्नी है, तो एक भू देवी और एक श्री देवी। वैसे ही काल भैरव के दो दे ये है, एक नागेश्वरी और एक योगेश्वरी। ओके, उनकी दो पत्नी जैसे इसलिए नागेश्वरी को भारत में गणपति के आसपास मतलब माँ है उनके, तो बाद में बिठा के रखा है, और वो जो योगेश्वरी उसके बाजू में खड़ी है। क्या बात है, वेरी गुड, आपने सुना, क्या बात है, मतलब बहुत बड़ा रहस्य है यहाँ पे दोस्तों। आपने देखा सुना होगा, जरी जी के मुँह से सुना होगा, और कुछ बता सकते हैं इसके और कुछ बारे में? जरूर, यहाँ जो हमारी जगह है इस जगह में 14 नक्षत्र वृक्ष है, जो नक्षत्र वृक्ष कहते हैं, नक्षत्र वृक्ष का मतलब है उस पेड़ की पूजा करने से आपके ऊपर आने वाली जो आपदा है जो संकट है उसका निवारण होता है। क्या बात, चाहे उसके पत्ते डाल के स्नान करे, चाहे उसके फूल परिधान करे, चाहे उसको पानी दे,
ये जो प्रावरण ज्योतिष शास्त्र में कहा है 100% वो उस 14 नक्षत्र वृक्ष 27 नक्षत्र है हमारे 27 में से 14 नक्षत्र वृक्ष हमारे इस जगह में है। क्या बात है। हाँ, और इसलिए यह और भी दो तीन बातें है इस जगह की विशेषताएं अगर कहनी है तो यहाँ आगे संगम है दो नदियों का जो पूरा पूरा इसके सामने आ जाता है मंदिर के सामने मंदिर के सामने मकर अंदाज दिखाएगा जब सामने ये मंदिर को लेके ये ऐसा जरा दिखा देगा ये सामने ये इधर दिखा दो जरा ये दोस्तों ये देखे सामने संगम इधर यहाँ पे संगम हो जाता है इधर जो आपको तालाब दिखाया था उसके वो तालाब के बाजू में है ना नहीं नदी में नदी में इसके आगे में अच्छा इसके आगे है नदी में उधर जा नहीं सकते दोस्तों वहाँ जंगल है थोड़ा सा इसलिए जा नहीं सकते हम लोग वहाँ पे जंगल है इसलिए हम लोग जा नहीं पा रहे तो वहाँ पे सामने ही क्या बात है बहुत बढ़िया आस्था यहाँ पे। और एक बहुत बड़ी बात इसमें है कि यहाँ की जो नदी है वो उत्तर वाहिनी है हमारी सभी नदियाँ जो है वो दक्षिण वाहिनी होता है लेकिन यहाँ की जो नदी है वो उत्तर वाहिनी है उत्तर की तरफ वो बहती है। तो बहुत से अगर तीर्थ क्षेत्र के जो नॉर्म्स कहे गए हैं कि वो तीर्थ क्षेत्र कैसे कहलाता है उस क्षेत्र के क्या महत्व है तो ये दो तीन महत्व यहाँ है कि इसलिए ये तकरीबन तीर्थ क्षेत्र हर देवस्थान तीर्थ क्षेत्र ही होता है सही बात है। हर देवस्थान होता है लेकिन कुछ देवस्थानों की महत्व अलग अलग होता है तो यहाँ का ये महत्व है। यहाँ बहुत बड़े ये होते हैं लोग आते हैं गवर्नमेंट के भी आते हैं और उनके तरफ से पूजा पाठ वगैरह होता ही है यहाँ। तो आज भी मेरे घर से कोई आए हुए अभिषेक करने के लिए हाँ अभी एक बजे भी आने वाले हैं। अच्छा ओके अभी तो कंटिन्यू यहाँ पे दोस्तों चालू रहता है बहुत बड़ी आस्था यहाँ पे। तो यहाँ के पुजारी यहाँ पे जो रहते हैं तो उनका घर भी पीछे इसके पीछे तो बहुत काफ़ी सारी जानकारी हमने हम लोग को दी थी पुजारी ने तो बहुत अच्छा लगा था सही में अच्छा लगा। तो और कुछ बताने लगा है क्या आप क्या होता है बताने लायक बहुत कुछ होता है लेकिन अगर नहीं पूछेंगे वैसा ये होता है हाँ आप अगर उसके बारे में पूछेंगे ना सही बात है तो भाषण से अच्छा संभाषण है भाषण ही वन वे ट्रैक है हाँ वन वे ट्रैक है संभाषण दोनों तरफ से है। तो वो अच्छा लगता है सही बात है। आप पूछेंगे मैं अगर आता है तो कहूँगा नहीं आता है तो नहीं कहूँगा उसमें क्या है सही बात मेरी तो बुद्धि को भी लिमिटेशन है ना तो मैं आपको एक बात बताऊंगी चाटे का जो पेड़ है वो किस चीज मतलब किस इसमें आ जाता है मतलब आस्था में किस आस्था में आ जाता है जो दर्शन करे क्या मतलब भगवान के जी ये जो चाफा है ये देखिए मैं कंधा दिखाऊंगा एक मिनट ये जो चाफा है ये बहुत पुराना है मैं एक बार कट कर जो चाफा है ये बहुत पुराना है अगर आप देखेंगे तो उसको ये जड़े उसकी बाहर आ गई है ऊपर से ये जो चाफा है उसका एक अलग महत्व ऐसा है इसके नीचे चौड़ेश्वरी का निवास रहता है इसके यहाँ नहीं किया है हमने और आप अगर कर्नाटक में वगैरह देखेंगे तो ये इसे खुर चाफा कहते हैं हमारे यहाँ और ये सफेद रंग का फूल है इसमें जो गुड़ी पाड़वा के दिन गुड़ी को लगाया जाता है 100% तो ये वो चाफा है और खुर चाफा कहते हैं इसको और कर्नाटक में अगर देखेंगे तो इसके नीचे चौड़ेश्वरी का पाठ रहता है जैसे पीपल के नीचे अंजनेय हनुमंत का रहता है उसे अश्वत्थ नागांजनेय कहते हैं वैसे चौड़ेश्वरी का वास यहाँ रहता है जिसे वहाँ चौड़ी कहते हैं उसको चौड़ी माँ कहते हैं तो ये रहता है इसके ऊपर और जनरली ये तोड़ा नहीं जाता इसको तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो आपको विपत्ति कारक होता है इसका तोड़ना जो है आपको अगर उसकी शाखाएं कहीं ये कर देती है आपको उसके कोई नहीं त्रास होता है तो अगर यहाँ आ गई है बीच में तो वो कट करना अलग है लेकिन जड़ से वो नहीं कट करना ओके ओके सुना दोस्तों आपने चापा का पेड़ जरूर मतलब
कोई काटना नहीं, जो अभी ठीक है जो उसका पौधे का पेड़ जो मतलब क्या उसको बोलते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो घर के ऊपर आता हो तो थोड़ा छोड़ता नीचे से मतलब जड़ से निकाल, जड़ से नहीं निकाल सकते दोस्तों। हाँ। तो ये बहुत बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य बताया इन्होंने। वैसे हर पेड़ का मैं आपको बता सकता हूँ, हर पेड़ का। अच्छा, यहाँ का हर जो पेड़ है उस पेड़ का मैं बता सकता हूँ। ओहो, तो बताइए जरूर, हम लोग सुनेंगे। ये जो यहाँ ये देखिए, ये मंदार का पेड़ है। अच्छा, जो जाएंगे उधर जाएंगे, जाएंगे, चलिए। ये जो मंदार का पेड़ है, अगर आप देखेंगे ऊपर तो उसके पिंक कलर के फूल है, बराबर आए ऊपर। इसमें इसमें सफेद रंग का जो फूल आता है उसे श्वेत मंदार कहते हैं। ओके, श्वेत यानी सफेद, सफेद सही, और मंदार मतलब उस झाड़ का नाम। नौ साल बाद उस श्वेत मंदार को आप जड़ से निकालेंगे तो उस जड़ को गणपति का जैसा मुख रहता है, हाँ, वैसा आकार आ जाता है। ओ, क्या बात है। हाँ, आपने देखा दोस्तों, इस पेड़ का मतलब कितना महत्व है। जो अभी क्या बताओ, इतनी बड़ी आस्था है पेड़ के अंदर, आस्था इतनी बड़ी, तो पता नहीं लोगों को जो आते हैं तोड़ते हैं, तो लोगों को पता नहीं इस पेड़ में क्या है, ऐसा क्या है। ऐसे बहुत से लोग, बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं रहता है। हमारे ये जो सब चीजें हैं वो तंत्र शास्त्र में आती है, यंत्र मंत्र और तंत्र, जो तीन बातें शॉर्ट में उसे YMT कहते हैं। YMT तो तंत्र में ये बात आती है, ऐसा है। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया है, इससे बताया पूजन जी ने। ये यहाँ देखिए आप, एक इस तरफ आ जाइए, यहाँ जो पेड़ है ये आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखेगा, ये पेड़ है। ये जो मेरे पीछे पेड़ है उसे हम हेड़ा बेहड़ा, बेहड़ा का उपयोग हम त्रिफला में करते हैं। इसका जो फल है उसका ये त्रिफला में होता है। ओके, हरड़ा, बेहड़ा और आंवला। ओके, ये तीन मिलके जो पाउडर होती है उसे त्रिफला कहते हैं। त्रिफला का अलग महत्व आयुर्वेद में है, वो बात अलग है, लेकिन उसमें जो बेहड़ा है, ये बेहड़े का पेड़ है। अच्छा, ओके, इसे ग्रामीण इसमें हेड़ा कहते हैं। सही बात है, ग्रामीण में। और कर्नाटक में इसे तारे मारा कहते हैं। ओके, इसका महत्व ये है कि इसके ऊपर शनि का वास रहता है दोस्तों। ये किसी को पता नहीं है, ये तोड़ने से कितना बड़ा मतलब नुकसान तो वही है, और कितना बड़ा पाप भी लेगा मेरे ख्याल से, सॉरी माफ कीजिएगा, और ये सत्य है। तो इसको कितना आप लोग ने समझना चाहिए पेड़ को, ये पेड़ कैसा है, क्या है, कैसा इसका महत्व क्या है। तो अपना पंडित जी है ना, उनके मुँह से ही सुना आपने, तो ये जरूर किधर अपना शास्त्र में किधर आपको जो जिधर आपको अच्छा लगे वहाँ पे इसकी जानकारी लेना चाहिए, तो उसके बाद ही पेड़ को भी हाथ लगा दोस्तों। और बाकी अलग जो है हमारे यहाँ जो 21 पत्रियाँ डालते हैं, पत्रियाँ मतलब पन्ने, इसके ऊपर अपने गणपति के ऊपर गणेश चतुर्थी के दिन, तो उसका भी एक आयुर्वेदिक महत्व है। आघाड़ा है उसमें, बेल है, दुर्वा है, तो ये सब जतन करने के लिए हमारे पुरखों ने वो सब ये किया है, प्रावधान रखा है कि ये रहना चाहिए, और इसके रहने से ही हमारा जो अस्तित्व है, मानव जात का अस्तित्व है, उसको इसकी अच्छाइयों का फल मिलना चाहिए, ऐसा है। इसलिए वो उन्होंने बना के रखा था कि ये ऐसी चीज करो करके, अभी तो चल रही, इसलिए मानवता का अस्तित्व ही बता रहे पूजा जी। तो सही में सचमुच है दोस्तों, बहुत 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 बाबा रही से बता पाया पूजा जी ने, तो बहुत इनके पास काफ़ी सारी खूब जानकारी है। तो जरूर दोस्तों नेक्स्ट टाइम और अनुभव आके आप लोग यहाँ पे सुनेंगे। अभी तो हम लोग का एपिसोड मेरे घर से खत्म होने वाला है, तो चलेगा दोस्तों, मिलेंगे अगले, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। यस सर, थैंक यू।